नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे 7th ऑफ मार्च के थर्ड शिफ्ट की कि कौन कौन से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि दो एरर संबंधी क्वेश्चंस जो मुझे प्राप्त हुए हैं उनमें एक प्रश्न आपसे पूछा गया था एफ्रेड के साथ में फ्रॉम दिया हुआ था, और आप अच्छे से जानते होंगे कि एफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पर हमें यूज करना पड़ता है ऑफ का। तो फ्रॉम के स्थान पर ऑफ आना चाहिए था यहाँ पे। एक और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि आपको दे रखा था प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहां पे भी आप जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन के साथ में आप मतलब जो भी वर्ब लगाएंगे, यहां आपको दे रखा था वर, उसके स्थान पे आना चाहिए था वॉज, ये आएगा। वर जो दे रखा था वो गलत होता, तो जिस पोर्शन में वर था वो यहां पर गलती कंसिडर की जाती। तो दो प्रश्न तो आपसे कॉमन एरर के पूछे गए, तो रिपीट कर दूं, एफ्रेड के साथ में ऑफ आना चाहिए था, फ्रॉम दिया था, और प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन में वर था, उसके स्थान पे वो जाना चाहिए था। ये तो दो एरर के क्वेश्चंस थे। उसके बाद में अगर बात करें हम, तो आपको क्वेश्चन एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दिया गया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको पूछा गया था हैविंग के साथ में बींग, और देखिए जहां कहीं भी हम एच देखते हैं हैविंग या हैज होता या हैव होता या हैड होता या विल हैव शैल हैव मॉडल प्लस हैव वेर एवर यू सी देयर यू हैव टू प्लेस बीन इंस्टीड ऑफ बीइंग। तो यहां आपका आंसर क्या होना चाहिए था, हैविंग के साथ में बीन। तो जिस भी ऑप्शन में हैविंग बीन था वो आपका आंसर होता। पूरा सेंटेंस मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे जहां तक भेजा है उसमें यह पूछा गया था हैविंग प्लस बीइंग नहीं हो सकता, उसके स्थान पे हैविंग प्लस बीन होना चाहिए था। तो तीन क्वेश्चंस आपको मैंने बताए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हुआ, और हमने बात की कॉमन एरर की। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स की। तो क्या स्पेलिंग्स आपसे पूछी गई थी, बहुत साधारण सी स्पेलिंग्स आपसे पूछी थी। एक तो आपसे पूछा था 40 की स्पेलिंग, तो सही स्पेलिंग होती FORTY, ठीक है। और एक स्पेलिंग आपसे पूछी कॉरेस्पॉन्डेंस की, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, अग्री भी होना भी होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग आपसे पूछी थी, शायद हो सकता है कॉरेस्पॉन्ड ही पूछी हो, तो कॉरेस्पॉन्ड पूछी है, तो यहां तक का पार्ट देख लीजिएगा, ये कॉरेस्पॉन्ड की स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये आपको दो स्पेलिंग्स पूछी थी। हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं 5, दो स्पेलिंग्स के क्वेश्चन, दो एरर के प्रश्न, और हमने देखा एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि कौन से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ आपसे पूछा गया था एंटोनिम में, एक तो मलिस, जो मलिस शब्द होता है इसका मतलब दुर्भावना होता है, इसका मतलब इलविल होता है, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो डिटेस्टेबल कह सकते हो, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, स्पाइटफुलनेस कह सकते हो, स्पाइट हॉस्टिलिटी, या फिर आप कह सकते हो एनिमोसिटी, दुर्भावना दुश्मनी, इन सबको बोलते हैं। अब यहां पे मैंने बताया आपको सिनोनिम्स, लेकिन आपको पूछा गया था क्या एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम इलविल के स्थान पर क्या कर देंगे आप, देखिए इलविल है तो फिर इसके स्थान पर आप कर देंगे गुडविल, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। हॉस्टिलिटी है तो फिर आप कर देंगे फ्रेंडलीनेस या फ्रेंडशिप, ये कर देंगे, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस भी हो सकता है, तो ये होगा मलिस का एंटोनिम। फिर उसके बाद दूसरा जो एंटोनिम आपसे पूछा था वो था फाउल, फाउल का घृणित या गंदा होता है, फाउल का मतलब घृणित या गंदा, तो यहां पर डिटेस्टेबल जो घृणित है, हेटफुल, ठीक है। इसके अलावा ऑफुल जो भयानक है, मतलब जो एकदम गंदा है, घृणित है मन से, मतलब अनप्लीजेंट टाइप का, यू कैन से अनप्लीजेंट है, तो ये सब क्या होते हैं फाउल के सिनोनिम्स होते हैं। हमें चाहिए था एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या करते हैं आप, इसका जेंटल हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, डिलाइटफुल हो सकता है, ये इसके एंटोनिम इनमें से कुछ हो जाता। वैसे आपको अगर हिंदी में पता भी लग गया है कि इसका मीनिंग क्या है, तो चार ऑप्शंस में से आप आराम से कर सकते थे। फाउल का मतलब घृणित या गंदा होता है, तो जो भी अच्छा, जो घृणित नहीं हो, जो प्लीजेंट हो, जो मन को अच्छा लगे, वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दो हमने एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं, अब दो सिनोनिम्स मुझे प्राप्त हुए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं।
देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं इंग्लिश के, सबसे अधिक क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा देर भी हो जाता है उसके लिए क्योंकि मुझे कलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम बात करें सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। एक तो असोल्ट, असोल्ट का मतलब होता है अटैक करना, स्ट्राइक करना, सिनोनिम ही पूछा था, तो अटैक करना, स्ट्राइक करना, किसी पर प्रहार करना, किसी पर आक्रमण करना, तो अटैक ही शायद दे रखा होगा आपको, ठीक है। और थ्रैश और बीट भी कर सकते हैं वैसे, करने को पीटना, थ्रैश या बीट। फिर हम बात करें, एक वर्ड है थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है पनपना, तो फ्लरिश इसका कर सकते हैं, एफ एल ओ यू आर आई एस एच, या प्रोग्रेस करना कह सकते हैं आप, या फिर ग्रो करना कह सकते हैं, या डेवलप करना कह सकते हैं, तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स थ्राइव के। थ्राइव का पनपना, प्रगति करना, विकसित होना, पनपना, फलना फूलना, वृद्धि करना, ये सब मीनिंग होते हैं। तो असोल्ट और थ्राइव दो आपसे पूछे गए थे सिनोनिम्स, तो दो हमने देखे हैं सिनोनिम्स, दो हमने देख लिया एंटोनिम्स, दो कॉमन एरर्स, एक हमने देखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दो स्पेलिंग के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करें कि कौन से ईडियम्स आपको यहां पर दी गई थी। तो सबसे पहली ईडियम आपको दे रखी है, ईडियम की हम बात कर रहे हैं, एक दे रखा आपको कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है प्री अरेंज्ड, प्री प्लैंड, जो पहले से तैयार है, पहले से व्यवस्थित है, ऑल रेडी है, फिक्स्ड है, डेफिनेट है, वो सब चीजें कट एंड ड्राइड है, पक्का पकाया, यू कैन से इन हिंदी, जो सब कुछ पहले रेडीमेड है उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। एक आपसे पूछा था एट लार्ज ईडियम में, एट लार्ज का मतलब होता है एट लिबर्टी, मतलब कोई जैसे कोई क्रिमिनल है और अगर वो एस्केप कर गया है, भाग गया है, तो उसको बोलते हैं एट लार्ज, एट लिबर्टी, ऑन लूज आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब इसके ईडियम के मीनिंग हो जाएंगे। एट लार्ज का मतलब जो भाग गया है, फरार है, जो गिरफ्त में नहीं आया है। कट एंड ड्राइड का मतलब जो पहले से प्री प्लैंड है, प्री अरेंज्ड है, सुव्यवस्थित है, रेडीमेड है, डेफिनेट है, फिक्स्ड है, ये सब कट एंड ड्राइड के मतलब होंगे। इसके बाद में बताऊं मैं आपको, एक पूछा गया था यहां पे वॉइस की बात बता देता हूँ। वॉइस का एक प्रश्न है, बहुत सिंपल सा पूछा गया था, आप तो इतना सा याद रखें कि क्वेश्चन था वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक्टिव वॉइस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आंसर वो होगा जिसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, आपको मिला होगा इज एम आर, फिर आपको मिला होगा वी जीरो बेस फॉर्म, फिर आई एन जी, तो इसको आईएनजी फॉर्म देखते हैं हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इज एमआर हमने लगा दिया होगा। तो ये आपसे पूछा गया था एक वॉइस का क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आज के इस शिफ्ट में। अब हम मिलते हैं, तीनों शिफ्ट का सार मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, कुछ और क्वेश्चंस ऐड होंगे, वो सेशन भी आप जरूर देखिएगा, इसको भी आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।